प्रीवियस का हाउस प्लान 32x34 फीट का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कॉलम पोजीशन ऐड करेंगे पहले। ओके, कॉलम पोजीशन ऐड करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो ठीक है, यहाँ पर देखिए, इधर भी देखिए, इधर हमने जो कॉलम है इसको हमने ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे कॉलम ऐसे रखा है। उसके बाद देखिए इधर एक कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे और इधर दो कॉलम, क्योंकि इधर से गेट अंदर जाएगा, ठीक है, बाकी जो पोर्शन है ठीक ही है। उसके बाद हम इसका जो वॉल देखिए आउटसाइड का, तो वॉल यहाँ पर हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे। ओके, इधर इंटरनल पार्टीशन वॉल भी हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे, इसका भी इंटरनल पार्टीशन वॉल हम 125 mm के इंटरनल पार्टीशन वॉल, तो 5 इंच वॉल जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे आउटसाइड वॉल। और इनसाइड वॉल जो है इंटरनल पार्टीशन वॉल, वो भी 5 इंच का है आउटसाइड में, क्योंकि आपको कुछ जगह यहाँ पर बच जाएगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं चाहिए 5 इंच का, तो आप यहाँ पर 10 इंच या 9 इंच का ऑप्शन के हिसाब से घर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं कुछ भी, अगर आपको लगता है इसको चेंज करना है। अगर आपके पास अच्छा सा नॉलेज है तो आप इस प्लान को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद देखिए इसका जो इंटरनल आउटर वॉल हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। ओके, यहाँ पर भी सेट कर दिया है, ठीक है, उसके बाद इधर ऐसे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद हम इसका जो विंडो का पार्ट यहाँ पर हमने ऐसे सेट करेंगे। ओके, ऐसे इधर ऐसे रखेंगे, इधर इधर, तो ये रहा विंडो का पोजीशन, यहाँ पर रहा विंडो का पोजीशन, इधर इधर, ठीक है, और इधर। नेक्स्ट हम इसका डिटेल्स करने से पहले यहाँ पर जो विंडो का पोजीशन है, ऑप्शनल विंडो, सिर्फ हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। अगर आपके पास ऑप्शनल विंडो देने का जगह नहीं है साइड में, तो आपको डार्ट का इस्तेमाल करना होगा। वो आपको वहाँ पर डार्ट का, यहाँ पर देखिए हमने साइड में विंडो रखा है, विंडो का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शनल है विंडो। ओके, यहाँ पर विंडो इस प्लान का आउटसाइड में जगह है, इसलिए हमने यहाँ पर विंडो दिखाया है। आपके पास अगर साइड में जगह नहीं है तो आपको विंडो डिलीट करना होगा, ठीक है। देखिए अंदर भी हमने विंडो प्रोवाइड किया है, विंडो आप दे सकते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद जाएंगे हम इसका डोर, ऐसे हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे डोर पर, ऐसे यहाँ पर ऐसे इधर ऐसे प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद इधर ऐसे प्रोवाइड करेंगे, इधर ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे इसका आप, और यहाँ पर रहेगा 3 फीट वाइड, यहाँ पर रहेगा 3 फीट वाइड, इधर रहेगा 3 फीट वाइड। ओके, यहाँ पर आएगा गेट, इधर से एंट्री। ओके, यहाँ पर डोर, यहाँ पर आएगा पूजा रूम। तो इस डायरेक्शन में 32 फीट 0 इंच, इस डायरेक्शन में 34 फीट 0 इंच ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद तो इसका मतलब 32 फीट × 34 फीट का प्लानिंग आएगा, बाकी पोर्शन हम इसके अंदर दिखाएंगे। चलिए
तो पूजा रूम का जो डिस्टेंस यहाँ पर 5 फीट 5 इंच, 9 फीट 4 इंच, ओके। यहाँ पर 5 फीट 6 इंच वाइड रहेगा, यहाँ पर एक 8 इंच एरिया रहेगा स्टेयर के नीचे, ठीक है। यहाँ पर 9 फीट 4 इंच गैप रहेगा, नेक्स्ट यहाँ पर 4 फीट का एक गैप रहेगा, यहाँ पर डोर, यहाँ पर डोर किचन, टेन फीट 7 इंच और 9 फीट 4 इंच का मेज़रमेंट का एक किचन रहेगा इधर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डाइनिंग क्लास ड्राइंग हॉल इधर 21 फीट 9 इंच और 11 फीट 0 इंच, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर डोर, यहाँ पर आएगा एक स्टडी रूम और बेडरूम ऑप्शनल यहाँ पर आएगा, तो आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते 9 फीट बाई 11 फीट का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो डोर, यहाँ पर एक बेडरूम, यहाँ पर और एक बेडरूम, यहाँ पर आएगा 13 फीट, इधर 12 फीट 0 इंच और इधर 11 फीट 0 इंच और इधर 12 फीट 0 इंच, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर डोर, यहाँ पर आएगा अटैच टॉयलेट 6 फीट 4 इंच, इधर 5 फीट 7 इंच का मेज़रमेंट रहेगा इस साइड में, सॉरी 4 फीट का, ठीक है, इधर 4 फीट, सॉरी 4 फीट, और इधर आएगा बाथ प्लस लैट्रिन, कॉमन बाथ प्लस लैट्रिन 6 फीट 4 इंच का मेज़रमेंट इधर रहेगा और इस साइड का मेज़रमेंट 7 फीट 0 इंच रहेगा, ठीक है। और इधर डोर, ऐसे करके तो डिटेल्स ड्राइंग यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो उसके बाद इसका जो साइड का वॉल 5 इंच का वॉल यहाँ पर जो कॉलम 10 इंच x 12 इंच, ओके। तो उसके बाद देखिए इसका जो टोटल स्क्वायर फीट कितना आएगा, 1088 स्क्वायर फीट, इसके साथ 1250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हम इंटू करेंगे तो इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा इज इक्वल टू 1250। तो टोटल रीस 13,60,000 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।